आसिफ भैया बताओ क्यों रुके थे यहाँ पे? थो बोलते हैं इसको, थो। आपने कब बनाया था? मई के महीने में। तो तासी भैया ने मई के महीने में थो, जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थो, तो ये बनाया था। आज रवि सर ने भी अपना एक थो बना लिया यहाँ पे। सो हेलो एंड वेलकम अगेन गाइज। लास्ट ब्लॉग में आपको नुब्रा वैली तक का जो भी व्यू था वो आपको दिखाया, और अभी हम लोग हैं खलसर में। इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं खलसर से, और खलसर वो पॉइंट है जहाँ से एक रोड जाती है सियाचिन ग्लेशियर की ओर। सियाचिन बेस कैंप यहाँ से 100 किलोमीटर है, और दूसरी रोड यहाँ से पेंगोंग की ओर निकलेगी, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पेंगोंग वाली रोड पे। तो पेंगोंग तो आज पहुँचेंगे नहीं, देखते हैं रास्ते में जहाँ भी नाइट स्टे होगा आगे आपको व्यू दिखाते रहेंगे। यह है लद्दाख कार्टीज, तो चलिए देखते हैं क्या सीन है अंदर। फॉर्मूला वन वाली गाड़ियाँ यहाँ पे देख रही हैं। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, और अब होगी यहाँ पे फॉर्मूला वन कार रेसिंग। हम लोग तो निकल रहे हैं अभी अपनी फार्मूला वन से सीधे पेंगोंग की ओर, बट अगर आप लोग यहाँ पे फार्मूला वन रेसिंग करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए देने होंगे 6 राउंड के 700 रुपीज। खुल गया। सो गाइज जैसे ही हम लोग खलसर से आगे निकले तो यहाँ पे रोड जाम है अभी, रोड का काम वहाँ पे चल रहा है। पेंगोंग यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो हम सोच रहे लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र आज कर लेते हैं, और फिर कल मॉर्निंग में 50 किलोमीटर अप्रॉक्स हम जाके पेंगोंग लेक पहुँचाएँ। तो अभी जाम खुल गया है, तो चलिए चलते हैं। गाड़ी खराब हो गया था, उधर छोड़ दिया। अच्छा खराब हो गया, अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ खड़ी गाड़ी? उधर है प्रतापपुर में। आप यहाँ से जाएगा? मैं इधर से जा रहा हूँ पैदल। अच्छा, अभी बच्चे आएंगे लेने के लिए आ जाएंगे। चलो ठीक है अंकल, जुले। ये उदमारू ब्रिज है। अच्छा, ब्रिज का नाम उदमारू, और ये साइक रिवर। ये गांव का नाम है उदमारू। ओके, और ये दूसरा गांव है हुंदरी। हुंदरी हुंदरी। ओ भाई डर लग रहा है इधर तो। तो ये देखिए गाइस, ये एक सस्पेंशन ब्रिज यहाँ का काफी फेमस है, उदमारू ब्रिज इसका नाम है। और ये नीचे सायुक नदी, 150-200 मीटर लंबा ब्रिज है, तो काफ़ी फेमस है इस पूरे एरिया का सस्पेंशन ब्रिज, उतमारू ब्रिज इसका नाम है। तो थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग झूले। अंकल झूले, ये गए हमारे अंकल जो हमारे साथ आए थे लिफ्ट लेके। तो झूले मींस नमस्ते या फिर हाय हेलो आप कह सकते हैं। सो उदमारू ब्रिज में हम लोग अभी फिलहाल फोटोग्राफी चलते हुए। उदमारू कूद मारो नहीं है, कहीं पता चला कूद मार ली। कूद मारो नहीं है, कहीं पता चला कूद मार ली। कूद मारो फिर इसका नाम पड़ गया। ये रोड गई लेक हो, वो गई पेंगोंग की। यहाँ से आए थे अब हम उधर। ये कैरी होता है, उससे जूस बनता है। ओके, खाने में अभी खट्टा लग रहा है मुझे। अभी पका नहीं होगा अच्छे से, प्योर नहीं है, खट्टा ही होता है। बड़े सही टेक्निक से निकाला आपने इसको, टेस्ट कर लिया, खट्टा है। किरमोड़ बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। एक हॉल्ट यहाँ पे लिया था हमने, ये सामने एक तासी भैया जो लोकल के हैं तो उन्होंने बताया यहाँ पे कुछ एक बेरी टाइप का कुछ था, तो इसका जूस बनता है इन्हें बताया, तो हम टेस्ट कर रहे थे उसको। अभी तो कच्चा है, थोड़ा खट्टा और था, बट जब ये पक जाए फिर उसका जूस बनता है ऐसा इन्होंने बताया था। अभी हम खलसर से लगभग 50 किलोमीटर आगे आ गए,
और आज का जो नाइट स्टे हमारा होगा वो होगा सायोक में, यानी कि ये जो सायोक रिवर है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी तिब्बत से ये नदी जहाँ इंडिया में एंटर करती है तो उस गांव का नाम है सायोक। तो आज नाइट स्टे हमारा सायोक में होगा और अभी हम लोग यहाँ एक पॉइंट पे रुके हुए हैं। यहाँ पे जो रुकने का मेन रीज़न मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो अपने साथ तासी भाई हैं उन्होंने यहाँ पे ये देखिए उन्होंने मई के टाइम पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, तो अभी इसको देखने के लिए रुके हुए हैं। तो मई से लेके अभी तक ये यहाँ पे बना हुआ है। तासी भाई ने जब मई में आए थे वो उस टाइम पे ये बनाया था, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एक छोटा सा मंदिर का शेप इसको दिया गया। तासी भैया बताओ क्यों रुके थे यहाँ पे, बताओ थो बोलते इसको थो। आपने कब बनाया था? मई के महीने में। तो तासी भैया ने मई के महीने में थो जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते थो, तो ये बनाया था। आज रवि सर ने भी अपना एक थो बना लिया यहाँ पे। तो गाइज ये देखिए अभी स्टार्ट हो गई है ऑफ रोडिंग और इस पूरे ट्रिप में पहली बार हमें ऐसा रोड देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम लेह से नुब्रा वैली होते हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक गए थे, वहाँ पे रोड एकदम सही था, बट जब आप नुब्रा वैली से पेंगोंग की ओर जाते हैं तो आपको काफ़ी जगह ऐसी ऑफ रोडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर रोड का जो इतना बुरा हाल है इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, ऊपर जो ग्लेशियर है जब वो पिघलता है तो इतना सारा पानी रोड पर आ जाता है कि पूरी रोड को ही बहा ले जाता है, एकदम बाढ़ का सा रूप वो ले लेता है यहाँ पर। तो एक्चुअली बारिश तो यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है, बट समर की स्टार्टिंग में जब ग्लेशियर पिघलने लगता है तो बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे बन जाती है, तो काफ़ी टफ उस टाइम यहाँ पे ड्राइव करना हो जाता है। ये देखा इससे तगड़ा क्या देखे भाई, अंधेरे में उजाला ये चमत्कार किया हमारे तासी भैया ने। हमारी डेस्टिनेशन ये क्या। सो गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग सायोक जो विलेज है वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से नीचे उधर वो देखिए उधर कुछ लाइट्स जली है, तो वो आर्मी एरिया है और वहाँ से जो सायोक रिवर है इसी विलेज के नाम से इंडिया में इंडिया का फर्स्ट विलेज है जो इस नदी के किनारे पे सायोक रिवर के किनारे, तो तभी उस रिवर को सायोक के नाम से जाना जाता है यहाँ से जो कल हम गए थे पाकिस्तान बॉर्डर पे वहाँ तक का। तो हम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ पे चाय वाय पी के फिर जो होम स्टे है वहाँ पे चलते हैं। सो गाइस यार अभी होम स्टे हमें नहीं मिला यहाँ पे, एक्चुअली होम स्टे तो था बट जो ऑनर थे उसके उनसे हमारी कुछ बात बन नहीं पाई, तो चलिए अभी यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे कई सारे होम स्टे और भी हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ रात गुजारने का जुगाड़ हो जाए। यहाँ पे एक होम स्टे है तो देखते हैं अगर यहाँ पे रूम वूम मिल जाए तो बढ़िया है क्योंकि काफ़ी थकान भी हो गई है अभी। तो यार अभी रूम फाइनल कर लिया हमने, ये देखिए ये है हमारा रूम और ये है इनका किचन जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं उनका किचन ये है। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठकर बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे डिनर करेंगे और भूख भी लगी है काफ़ी तगड़ी, तो चलिए। रात के 8 बज गए और सायोक विलेज जो था वहाँ पे रूम हमें मिला नहीं, बात तो की थी बट थोड़ा सा वहाँ पे जो ऑनर थे उनका उनको मॉर्निंग में निकलना था तो हमारा मॉर्निंग में निकलना तो हो नहीं पाता, वो बोलते 5 बजे निकलेंगे बट इतनी जल्दी हो नहीं पाता सुबह। तो हम लोग सायोक से थोड़ा सा आगे लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आए, इस जगह का नाम तो नहीं पता, बट अभी यहाँ पे रूम वूम ले लिया हमने, होम स्टे है यहाँ पे भी। इसका जो चार्जेज है वो 1500 का ही रूम है और 100 रुपीज़ पर हेड खाने का चार्ज। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश, बाकी जो बाहर का व्यू आपको कल मॉर्निंग में यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।